अल्मोड़ा में टोटल 11 योजनाएं थी। अल्मोड़ा विधानसभा 11 में से कोई विलोपित नहीं है, 5 यहाँ से पूरी हो गई थी, 6 के लिए आज निर्देश कर दिए गए हैं। उनके क्षेत्र से संबंधित जो सड़कों से संबंधित 10 करोड़ की घोषणाएं थी उसमें से 2 करोड़ के संबंध में पैसा जारी कर दिया गया है और बाकी के लिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, संतुष्टि का जहां तक सवाल है, रानीखेत विधानसभा की कोई तैयारी नहीं थी और अधिकारी ने ये कहा कि साहब कोई घोषणा हुई ही नहीं है, वो बड़ा अफसोसजनक था। फिर मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि नहीं, मैं गया था और रानीखेत में पेयजल योजना के विषय में चर्चा हुई, सड़कों के विषय में कोई चर्चा नहीं हो पाई और ऐसा लगा कि विपक्ष के क्षेत्रों के लिए कोई तैयारी सरकार की तरफ से नहीं थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ से आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की वजह से आपको तवज्जो नहीं दी गई? देखिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने क्या किया ये तो वो जाने, मैं इसमें कोई टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास साक्ष्य नहीं है, परंतु जिस तरीके से व्यवहार हुआ है और जिस तरीके से समीक्षा में केवल एक रानीखेत पेयजल योजना के विषय में चर्चा हुई, जो खुद भी अपने आप में बिना तैयारी के थी, तो ऐसा लगता है कि इस समीक्षा बैठक में विपक्ष विधायकों के क्षेत्रों की अनदेखी की जा रही है, उनमें कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है।